This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. दिल्ली में सरेआम हुई नाबालिग की हत्या पर हिंदू समाज हमीरपुर ने रोष प्रकट किया है। हिंदू समाज ने गांधी चौक पर मौन प्रदर्शन किया। इस अवसर पर काफी अधिक संख्या में लोग मौजूद रहे तथा दिल्ली में हुए इस हत्याकांड की कड़े शब्दों में भर्त्सना की। सभी ने इस दौरान एक स्वर में कहा कि समाज में घूम रहे प्रवासियों का पुलिस पंजीकरण अनिवार्य है। हिंदू समाज के कुलदीप शर्मा ने कहा कि दिल्ली में सरेआम नाबालिग की हत्या करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी कई प्रवासी रह रहे हैं, कई अपनी पहचान छुपाकर यहां रह रहे हैं, जो कि कभी भी किसी अनहोनी को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की बेटियों को बहला फुसला कर जाल में फंसाया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि अन्य धर्म के लोग खुद को हिंदू समाज का ही कहते हैं, हालांकि ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आज हिंदू समाज ने साक्षी हत्याकांड जो दिल्ली में दिन दिहाड़े एक मुस्लिम जिहादी द्वारा 40 बार साक्षी को गोद कर किया गया और इतने बहसी तरीके से उसकी हत्या की गई कि उससे भी मन नहीं भरा तो उसको 8 बार पत्थर से कुचल दिया गया और उसके बाद उसको पैरों से कुचला गया, तो उसके विरोध स्वरूप हिंदू समाज द्वारा आज सांकेतिक मौन प्रदर्शन किया गया है। हमारा उद्देश्य समाज को जागृत करना है कि हिमाचल का हिंदू समाज जागे और वह अपनी बहु बेटियों की सुरक्षा के बारे में सोचे, चिंता करे और क्या करना है उसके वो करे। आज हिमाचल में हजारों की नहीं बल्कि लाखों की संख्या में प्रवासी अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनके पास ना तो पुलिस का पंजीकरण होता है, ना उनके पास कोई अन्य पहचान पत्र होता है, ना पंचायत की अनुमति होती है। हजारों की संख्या में फेरी वाले घूम रहे हैं जो हमारी बच्चियों को अपना शिकार बना रहे हैं, उनको मुस्लिम जिहादी अपना नाम बदलकर छल कपट से हिंदू नाम रख के कलावा बांधकर तिलक लगाकर रुद्राक्ष की मालाएं गले में डालकर छल कपट से बहला फुसलाकर हिंदू बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं और फिर वो कहीं सूटकेस में मिल रही हैं, कहीं वो टुकड़ों में मिल रही हैं, कहीं फ्रिज में मिल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि हिमाचल का हिंदू समाज जागे और अपनी बेटियों की सुरक्षा करे ताकि हिमाचल में इस प्रकार की जघन्य अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो। दूसरा, हम प्रशासन से यह मांग करते हैं कि फेरी वालों के लिए और प्रवासी जितने भी हिमाचल में रह रहे हैं उनके लिए उनका वेरिफिकेशन सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए कानूनी प्रावधान किया जाए। जिस प्रकार अन्य राज्यों में, जिस प्रकार आसाम में है, उत्तराखंड में है, कुछ अन्य राज्यों में इस प्रकार का कानूनी प्रावधान है कि जो भी प्रवासी हिमाचल में आए वे अपना पंजीकरण अपने मूल थाने से स्वयं करवा कर लाए और वो जिस थाने में रहना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, वहां जमा करवाए ताकि पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए इस प्रकार की जघन्य घटनाओं पर अंकुश लगाना आसान हो और किसी आपराधिक घटना होने की स्थिति में उसे ट्रैक करना, ट्रेस करना और पकड़ना तथा उसे दंड की अंतिम प्रक्रिया तक पहुंचाना आसान हो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाए तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने, और उस रिश्ते को
जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं? जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।